तो पहले अरेंज मैरिज से शुरू करते हैं, जैसी फिर लव मैरिज पर इनसे सुन ले क्या हुआ, उससे तो बहुत दफा सुन चुके हैं। कौन था रिश्ता कराने वाला, किसने कहा सादिया फसवा दिया? नहीं नहीं ऐसा, ऐसा। मेरे अब्बू कहते थे ना मेरे अब्बू, मेरी अम्मा और अब्बू दोनों एक दूसरे के लिए कहते थे। नहीं, मेरी जो सिस्टर है सबसे छोटी वाली, उनसे एक्चुअली मैंने कहा था कि आप देखें अच्छा कोई हो, बस मुझे तो चाहिए लंबी लड़की। अच्छा, आपने ये फरमाइशी प्रोग्राम किया? मैं जर्मनी में रहता हूँ काफी अच्छे से, तो वैसी बात जब आप देख रहे होते हैं इतनी लंबी लंबी लोग, उसी तरह का आपका ज़हन तैयार है। भाई अगर आपसे लंबी लड़की मिल जाए, मॉडर्न हो, हाई हील्स पहनने वाली हो, थोड़ा मेरे साथ चले तो अच्छी लगे। तो सिस्टर ने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं देखता हूँ। फिर इत्तेफाक से हम लोग गए अपना। अच्छा अदनान भाई, सच सच बताएं, सिर्फ आपने यही कहा कि लंबी चाहिए, लंबी हील्स, पतली दुबली नाजुक सी, और उसको घर में बिरयानी पकाना भी आती हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई फरमाइश तब तक नहीं थी। मतलब कतरीना और सकीना और कतरीना साथ नहीं मांगी? नहीं मांगी थी ये हर मियां को शादी के बाद चाहिए होती है भाई सकीना। पहले कतरीना चाहिए, पहले कतरीना चाहिए होती है। मेरे साथ तो एक्चुअली देखिए मसला ये, मैं रहता बाहर हूँ, सही है, ज्यादा तो मेरा टाइम बाहर ही होता है। जब वहाँ हम मिस करते हैं अपने देसी खाने एक्चुअली, तो इस वजह से ये होता है कि नहीं यार बिगम के हाथ की खाना बिरयानी खानी है या नहारी खानी, ये सब चीजें कहाँ वहाँ मिलती है। अच्छा अभी दोबारा जाए ना वहाँ पे, ये फरमाइशी प्रोग्राम हुआ अभी हम खाने पे नहीं पहुँचे। अच्छा, तो बात की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अदनान भाई जब फरमाइशी प्रोग्राम ये हुआ तो क्या हुआ, कितने घर आप गए हैं से विजिट किया जाके, ट्रे लेके लड़की आई और उसका आपने कहा नहीं कद थोड़ा छोटा, नहीं नाक थोड़ी मोटी? नहीं नहीं, यहाँ एक टर्निंग पॉइंट ये था कि इनकी बहन की कॉल मुझे आई। अच्छा, मैं उन दिनों एक चैनल के साथ मॉर्निंग शो कर रही थी, स्टार्ट किया था। मैंने कहा या सादिया वो मेरा भाई आया हुआ जर्मनी से। आप लोग कैसे जानते थे दूसरे? इनकी भाभी, हम एक कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी, आपको पता है जी, तो जी, वो जी, सब जी। मेरी असल में उनसे दोस्ती है, हिना भाभी से, इनकी भाभी से। हाँ, तो इनकी बहन से, इनको तो मैंने देखा तक नहीं था शक्ल में। मैं जो तो बाद में पता चला हिना भाभी के इतने सारे भाई है, हमें बाद में पता चला की हिना भाभी के 6 भाई है, 5 बहने। अच्छा, इतनी बड़ी फैमिली ने आपको क्यों फोन किया? उन्होंने कहा यार कोई लड़की ऐसी मॉडर्न सी हो और शिया भी हो तो जरा मुझे प्लीज बता, मेरा भाई आया हुआ है। मैं कहा भाभी मैं आपको कब से रिश्ता लगा करवाने वाली, मॉर्निंग शो होस्ट रिश्ता वाली क्यों लगती है सबको? अच्छा हाँ, फिर अच्छा इत्तेफाक ना उन दिनों एक हमारे आर्टिस्ट आप जानती हैं, मैं उनका जिक्र नहीं अभी यहाँ करना चाहती, मैंने उनकी ना कुछ बेटियाँ हाइट वाइट भी अच्छी, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा भाभी शिया भी हैं आप जाके ना आप एक दफ़ा मिल लें। मैंने उनको बताया तो ये गए वापस आ गए। खैर तो फिर उन दिनों हुआ हुआ था बल्दिया टाउन वाला वाक्या। अच्छा, जब अच्छा, इनकी बहन का फोन आया मेरा को मीटर आउट, आप सोच सकते हैं बल्दिया टाउन का मैं शो कर आ रही, वो सारी चीज़ें देख के, तो तब मुझे नहीं पता ये साथ होंगे। और अदनान, मुझे बाद में एहसास हुआ कि अदनान को स्पीकर पे बात करने की आदत है, तो तब इन्होंने मेरी क्या क्या सुनी होगी, मैं सोच इनकी बहन खरी सुनाई होगी। फोन किया कि वो नहीं वो बहुत लंबी है ये है, तो वो ना थोड़ी नाजुक हो थोड़ी ये। मैंने कहा आपका भाई हूर है बड़ा है, क्या उतरा मैं होता? मैंने कहा कौन है आपका भाई भाभी, फर्ज करें, मतलब मैं एकदम, क्योंकि उनसे तो मेरी वैसी वाली दोस्ती है, और मैं ब्लंटली बोल के, और मैं कहा भाभी मेरा ऐसा करना दिमाग घूम रहा है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या होता है, आप लोग अपने तौर पर अपनी फैमिली में देखें। और मैंने वो फोन काट दिया, कट कर दिया। अब उसके बाद गाड़ी में क्या हुआ तो वो ये किस्सा। चलिए अदनान भाई आप बताएं, आपको कोई डांटने वाली चाहिए थी कोई ऐसी? नहीं नहीं, मुझे इनका फेस अच्छा लगा और इनकी बातचीत और फिर लोग इनके वॉइस वो था या क्या, या फेस आपको दिखाया गया? बाद में जाके सर्च किया गया ना ये कौन थी जिसने बोला, और माशाल्लाह इन्होंने फिर अपनी बहन से कहा मुझे यही कॉन्फिडेंस चाहिए, ये कौन है ये मुझे दिखाओ, ये भी तो शिया ना मुझे। इन्होंने कहा नहीं इसका कद छोटा है, अबे जो जिस तरह बात की ना मुझे ये चाहिए कॉन्फिडेंस। फिर जाके उन्होंने खैर दिखाया खाया होगा, तो फिर भाभी इनको लेके कहती है एक दफा, मुझे भी नहीं बता रही, कहती तुम एक दफा मेरे भाई से मिल लो। मैं कहा मुझे क्या, मैं मिलके करूंगी आपके भाई से मिलके, मतलब मैंने क्या, मैं देख के अगलों को जाकर डिस्क्राइब करूंगी वो ऐसा है वैसा है भाई ने अपने बेटे। अच्छा फिर हुआ क्या, फिर आप गए रिश्ता लेके इनके घर या ऐसे ही इनको बताए बगैर भाभी ने आपकी बहन ने मिलवाया इनसे? नहीं नहीं, फिर बातचीत चली, फिर हुआ ये कि ये इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने उस पर ये कहा देखिए मैं यूरोप में रहता हूँ, इंसान देखें कोई गलत नहीं होता है, ठीक है, फील्ड कोई भी गलत नहीं होती, आप गलत होते हैं बेसिकली, कि अगर आप जो लोग या तो फिर घर से कोई निकले ही नहीं, सही है ना,
अब जब कोई आप निकल रहे हैं या आप कोई बैंक की जॉब कर रहे हैं, जिसने खराब करना है उसने करना है, चाहे उसका ताल्लुक इंडस्ट्री से हो या चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जॉब से हो, तो ये है। तो मैंने कहा ये कोई इशू नहीं, आपने अपनी फैमिली को समझाया, फैमिली को समझाया, अरे मैरिज में फैमिली को समझा रहे हैं, 11 बहन भाई, माशाल्लाह 11 बहन भाई, पूरी जिंदा बैठी, हां ये देखिए 11 बहन भाई बैठे जी जी, और अदनान साहब वो जो है वो सबको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फिर मैंने समझाया ऑफ कोर्स, हां क्योंकि जिस माशरे से हमारा ताल्लुक है और जहां हम रहते हैं तो यहां ये सब चीजें होती हैं, डिस्कस होती हैं, तो मैंने कहा देखिए ये इशू ना रखें, ये होना चाहिए खानदान अच्छा है और देखें और सारी चीजें, दिल में भाग गई थी क्या आपकी, हाँ ऐसी तो कोई किसी की वकालत नहीं करता नहीं, तो मेरी दोस्त माशाल्लाह ऐसी है कि जो देखे उसके दिल को भाए, माशाल्लाह से अभी तक रिश्ता अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू एयरवायर डिजिटल्स YouTube चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू ऑल द न्यूज़ एंड अपडेट्स।